हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे और यह डिस्कशन जो होगा ये लूसेंट की बुक से होगा और ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट पहला होगा जिसमें भारत की सामान्य जानकारी दी जाएगी। आज से हमारी नई सीरीज चालू हो रही है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा इसमें, वो भी लूसेंट की बुक से पढ़ाया जाएगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारा वीडियो को शेयर करना ना भूले। निश्चित ही आपको इस चैनल से मदद मिलेगी। यह लेक्चर जो है ये मेरे द्वारा दिया जा रहा है, माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं भारत के भूगोल की। भारत के भूगोल में आज का जो पहला टॉपिक है वो भारत का सामान्य परिचय के ऊपर होगा, भारत की सामान्य जानकारी दी जाएगी इस लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं और पहला फैक्ट देखते हैं। लूसेंट बुक डिस्कस किया जा रहा है इसमें और लूसेंट बुक का पहला फैक्ट देखिए, भारत, यहाँ से बनता है क्वेश्चन, भारत स्थित है। तो भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, याद रखिए उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और इसका अक्षांशीय और देशांतर विस्तार देख लेते हैं अपन। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है भारत, और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो ये आपको दोनों याद रखना है, इसको मैं शॉर्टकट में आपको मैप के थ्रू रफली बता देता हूँ। ये देखिए, ये एक रफली मैप बना लिए भारत का। तो यहाँ से जो रेखा गई है ये अक्षांश रेखा, ये वाली जो रेखा, यहाँ से भारत चालू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और यहाँ से जो रेखा गई है ये यहाँ पर भारत ख़त्म होता है, ये है 37 डिग्री 6 मिनट। ये है, याद रखिए 37 डिग्री 6 मिनट, ये अक्षांश है। क्षैतिज अवस्था में जो रेखा खींची गई है उसे अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से ये पूर्वी देशांतर की बात करते हैं, पूर्वी देशांतर में ये है 68 डिग्री 7 मिनट से चालू होता है पूर्वी देशांतर में और 97 डिग्री 25 मिनट में ख़त्म होता है भारत। तो ये याद रखिए, भारत का उत्तरी और पूर्वी देशांतर, अक्षांशी और देशांतर आपको पता होना, पेपर में पूछा जाता है, पहला फैक्ट कवर होता है। संपूर्ण भारत का अक्षांशी विस्तार ये बता दिया मैंने आपको। अगला देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल, इसी हिसाब से भारत का क्षेत्रफल निकल जाता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये याद रखिए, पूछा जाता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, याद रखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है रूस, रूस के बाद दूसरे नंबर में है कनाडा, कनाडा के बाद तीसरे नंबर में है चाइना। तो ऐसा करते करते जाएं तो भारत का कौन सा स्थान है, भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, ये याद रखें। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है चीन, चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वर्तमान में, दूसरे नंबर में भारत में, तो भारत का स्थान क्या है? दूसरा। तो जनसंख्या की दृष्टि से है दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला फैक्ट देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का इतना परसेंट है, याद रखिए परसेंट पूछ लिया जाता है, 2.42%। जबकि उसके आगे देखिए, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 7.5% है। तो संपूर्ण विश्व में जितनी भी जनसंख्या है उसमें से भारत की जनसंख्या 17.5% है। तो ये परसेंट भी पूछ लिया जाता है, याद रखिए, ये फैक्ट कवर होता है। और ये जो बताया जा रहा है आंकड़ा, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो ये वाला फैक्ट कवर होता है। अगला देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 8 बड़े देश हैं, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 8 बड़े देश हैं, याद रखिए सबसे बड़ा जनसंख्या में कौन सा है? चीन, दूसरे नंबर में भारत, तीसरे नंबर में है अमेरिका, याद रखिए अमेरिका तीसरे नंबर में, चौथे नंबर में इंडोनेशिया, पांचवें नंबर में ब्राज़ील, छठे में है पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर रूस। तो ये ऐसा आपको याद रखना है, ये बड़े देश की बात हो रही है जो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है, वाला फैक्ट कवर किया गया है इसमें। अगला फैक्ट देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार, तो भारत का उत्तर से दक्षिण की बात हो रही है, उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर, याद रखिए 3214 किलोमीटर, एक किलोमीटर पूछा जाता है 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की बात हो रही है। अब पूरब से पश्चिम की बात करते हैं, पूरब से पश्चिम तक है 2900
33 किलोमीटर, ये याद रखिए 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर ये है पूरब से पश्चिम। तो ये दोनों आपको पता होना, जीके एक ऐसी चीज़ है, एक क्वेश्चन आपके एक नंबर खो देते हैं, तो आपको हर चीज़ पता होना चाहिए। उसके बाद अगला देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15200 किलोमीटर है, तो ये याद रखिए। वन फाइव टू जीरो जीरो ये जो है ये स्थलीय सीमा है, याद रखिए स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा की बात हो रही है। इसके बाद तटीय भाग की बात होगी, तो तटीय भाग आपने देखा होगा भारत के नौ राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा को छूते हैं, तो तटी की बात हो रही है, तटी में कितना है 7516.5 किलोमीटर। यहाँ पे हम ट्रिक नहीं बताया जा रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, एक दो बार पेपर में लिख के देखिए, अपनी रफ कॉपी में याद हो जाते हैं। भारत की स्थलीय सीमा का अनुपात कितना है 15200 किलोमीटर, इसमें तटीय भाग का कितना है 7516.5 किलोमीटर, परंतु भूमि के तटीय भाग की लंबाई, तो याद रखिए तटीय भाग के परंतु भूमि की तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर, तो ये आपको पता होना, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट है 6100, तो ये वाला फैक्ट कवर होता है। उसके बाद अगला चलते हैं, आगे देखिए, भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाता है, भारत जो है 7 पड़ोसी देश भारत की सीमा को छूते हैं, सबसे ज़्यादा छूता है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, याद रखिए सबसे ज़्यादा कौन छूता है, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर में छूता है अपने को चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल भी छूता है, म्यांमार भी छूता है, भूटान भी छूता है और अफगानिस्तान भी छूता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, सबसे ज़्यादा कौन छूता है, बांग्लादेश, और सबसे कम कौन छूता है करके पूछा जाएगा तो अफगानिस्तान। अब यहाँ से देख लीजिए इनको कौन कौन को किसको छूता है ऐसा पूछा जाता है, तो बांग्लादेश को अपने भारत के कौन से राज्य स्पर्श करते हैं, देखिए एक तो पश्चिम बंगाल करता है, तीनों ओर से घिरा हुआ है, दो ओर से घिरा हुआ है, पश्चिम बंगाल करता है, और आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये याद रखना है आपको, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल ये टच करते हैं। उसके बाद चीन की बात करते हैं, चीन को कौन कौन, तो जम्मू कश्मीर छूता है, हिमाचल प्रदेश छूता है, फिर उत्तराखंड छूता है, सिक्किम भी छूता है और अरुणाचल प्रदेश भी छूता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कभी कि इनमें से कौन नहीं छूता, इसलिए आपको पता होना। पाकिस्तान को गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर ये लगे हुए हैं, टच है पाकिस्तान से। नेपाल को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल है सॉरी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड ये छूते हैं। म्यांमार को कौन कौन छूता है, तो म्यांमार को छूता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, याद रखिए चार छूते हैं ऐसे लगे हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद आगे देखिए, भूटान को सिक्किम छूता है, आसाम छूता है, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश छूता है, तो ये आपको पता होना। और जम्मू कश्मीर को तो एक ही छूता है, जम्मू एंड कश्मीर, तो ये याद रखिए, ये पूछी जाती है, याद रखिए आप, सबसे ज़्यादा कौन छूता है बांग्लादेश, सबसे कम कौन छूता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान बुक के हिसाब से 106 किलोमीटर छूता है, तो ये याद रखें। उसके बाद आगे देखते हैं, भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा को छूते हैं, तो ये एक फैक्ट याद रखिए, अपने भारत के कुल 17 राज्य यानी अपने भारत के राज्य 17 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों की सीमा को छूते हैं, तो यही फैक्ट एक पता होना। और भारत की जलीय सीमा और समुद्री सीमा के संबंध में देख लेते हैं यहाँ से एक फैक्ट, तो भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबंधित 7 देश हैं, ऐसे देशों की बात हो रही है जो जल से भी लगे हैं, तो जैसे देखिए पाकिस्तान जो है ये लगा हुआ है, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश भी जल से लगा हुआ है, म्यांमार भी, थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये ऐसे देश हैं जो सीमा समुद्री सीमा से क्रमबद्ध देश हैं, यानी समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। उसके बाद अगला फैक्ट देखिए, भारत का जल एवं स्थलीय सीमा से देश, तो ये क्या बोला गया, भारत का कि जल एवं स्थलीय सीमा के देश, तो जल को भी छूते हैं और स्थलीय सीमा को भी छूते हैं, तो ये बांग्लादेश देखिए और समुद्र को भी छूता है, जल को भी छूता है और भारत को भी छूता है, म्यांमार जल को भी छूता है, भारत को भी छूता है, पाकिस्तान जल से भी लगा हुआ है और भारत से भी लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार के थे।
उसके बाद बात करते हैं अगला, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। अगर पूछा जाता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। याद रखिए इंदिरा पॉइंट है और यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह में, और वो भी कौन सा निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, बड़ा निकोबार में, ये याद रखिए ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसे पहले पिगमेलियन पॉइंट था, इसका पहले नाम पिगमेलियन पॉइंट था, फिर इंदिरा पॉइंट रखा गया। यह भूमध्य रेखा के 876 किलोमीटर दूर है और भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकाल, सबसे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिराकाल, जो जम्मू कश्मीर में है, और सबसे दक्षिणी पूछा तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है, याद रखिए। और सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा तो सबसे पश्चिमी बिंदु है सर क्रिक, जो गुजरात में है, और सबसे पूर्वी बिंदु है वालांगू, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये चारों बिंदु पता होना भारत की, भारत के। उसके बाद आगे देखते हैं, कोलंबा पॉइंट मुंबई में है, पॉइंट काली मेरे तमिलनाडु में, एवं पॉइंट पेट्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ये एक फैक्ट आप देख लेना। उसके बाद आगे बात करते हैं, भारत एवं चीन की सीमा को, ये याद रखिए तीन चार रेखाएं हैं जो पूछी जाती है। भारत एवं चीन की सीमा में मैकमोहन रेखा कहते हैं, भारत और चीन की सीमा के बीच में जो खींची गई रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी, तो याद रखिए शिमला में निर्धारित की गई थी। और ये कौन सी है, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, डायरेक्ट याद रखिए मैकमोहन रेखा, ये 1914 में खींची गई। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, जो 1896 में खींची गई, और ये सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, तो ये याद रखिए, कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है तो भारत और अफगानिस्तान देता है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, याद रखिए रेड क्लिफ रेखा। 15 अगस्त 1947 को सर सी जे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। तो किसने खींची थी ये रेखा, रेड क्लिफ ने। तो दक्षिण में, उसके बाद अगला फैक्ट देखिए, दक्षिण में श्रीलंका भारत को पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती, तो भारत और श्रीलंका, और किस किस को जोड़ती करके पूछा जाएगा। तो अगर किस किस को जोड़ती करके पूछा जाएगा तो बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ती है, अगर ऐसा ऑप्शन नहीं रहा तो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, तो मन्नार की खाड़ी बीच में पड़ता है, तो ये ऐसा पूछा जाता है। अगला फैक्ट देखिए, भारत के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। तो भारत का सबसे पड़ोसी देश समुद्री वाला कौन सा है, श्रीलंका। दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो इंडोनेशिया है, तो ये याद रखे पूछा जाता है। उसके बाद जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है, तो यहाँ पे जो द्वीप है आखिरी द्वीप अपना ग्रेट निकोबार, मैंने बताया था ये ग्रेट निकोबार पर ही है भारत का आखिरी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार पर, वहाँ के बाद पड़ता है, उसके दक्षिण में पड़ता है इंडोनेशिया। उसके बाद अगला फैक्ट देखते हैं, भारत का मानक समय, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली रेखा है जिसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के नाम दिया गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। तो याद रखिए 5.5 घंटे आगे है, जिसे क्या नाम दिया गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो भारत से गुजरती है और ये भारत के 5 राज्यों से जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो याद रखिए इलाहाबाद के मिर्जापुर से के निकट से गुजरती है और भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। भारत से जो गुजरने वाली रेखा है उसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इस वजह से भारत का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे हैं। तो इतने क्वेश्चन बन सकते हैं इस फैक्ट से। उसके बाद अगला देखिए, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है और यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको पूरे 8 के 8 नाम पता होना, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ऐसी गई है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, क्रम से बताया जा रहा है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ये आखिरी में 2 है, त्रिपुरा और मिजोरम, ये याद रखिए आप, ये ट्रिक मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है।
भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8ों के 8 राज्य आपको पता होना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनमें से किस राज्य से नहीं जाती, इसलिए। उसके बाद अगला फैक्ट देखें, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवती रेखा दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है, तो एक फैक्ट है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है, इन्हें थोड़ा सा देख लीजिए आप। उसके बाद अगला फैक्ट देखते हैं, भारतीय राज्य में गुजरात राज्य की तटीय रेखा, तो देखिए मैंने आपको बताया था भारत के 9 राज्य ऐसे जो तट रेखा से लगे हुए, समुद्री रेखा से लगे हुए, समुद्री तट से लगे हुए 9 राज्य ऐसे हैं। तो 9 कौन से हैं जिसमें क्वेश्चन ये आता है, तो 9 राज्य ऐसे हैं, देखिए भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री तट से लगे हुए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा से लगे, समुद्री तट से लगे हुए हैं, सॉरी। और यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, समुद्री सीमा को भारत का कौन सा राज्य समुद्री सीमा को सर्वाधिक छूता है, तो याद रखिए सबसे ज़्यादा छूता है गुजरात, याद रखिए गुजरात छूता है, क्रम भी याद रखें कुछ, गुजरात छूता है सबसे ज़्यादा, गुजरात के बाद छूता है आंध्र प्रदेश, फिर तीसरे नंबर में महाराष्ट्र, तो ये 3 याद रखिए, सबसे ज़्यादा छूता है गुजरात, दूसरे नंबर में छूता है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर में महाराष्ट्र। उसके बाद आगे देखते हैं, पूर्व उत्तर भारत के राज्य, तो भारत के पूर्व उत्तर में 7 राज्य है, याद रखिए 7 राज्य, इसे 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, 7 सिस्टर कहा जाता है, तो कौन से हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ शॉर्टकट में, ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, फिर यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, ये 7ों की राजधानी आपको पता होना, पेपर में पूछी जाती है, मैं अभी यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ लूसेंट बुक के फैक्ट कवर किए जा रहे हैं। तो पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, तो यहाँ से ये भी याद रखना है आपको एक फैक्ट, सिक्किम की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती, मैंने आपको बताया था बांग्लादेश को नहीं छूता सिक्किम, बीच में पश्चिम बंगाल आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से छूती है, तो ये एक फैक्ट है। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य भारत का जो है वो है त्रिपुरा, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा, केवल उत्तर पूर्व में यहाँ आसाम और मिजोरम से जुड़ा है, तो ये एक फैक्ट याद रखना है। उसके बाद ये एक फैक्ट छूट गया, यहाँ से देख लेते हैं, पड़ोसी देशों के साथ लगे भारत के सबसे संबंधित राज्य, तो ये एक फैक्ट है, सबसे लंबा संबंधित, तो बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य छूता है, पश्चिम बंगाल, यह आपको पता होना, बांग्लादेश को भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा छूता है, तो वह है पश्चिम बंगाल, चीन को सबसे ज़्यादा छूता है जम्मू कश्मीर, उसके बाद पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा छूता है राजस्थान, राजस्थान छूता है, नेपाल को सबसे ज़्यादा छूता है बिहार, नेपाल को जो सबसे ज़्यादा कौन छूता है, बिहार, और म्यांमार को सबसे ज़्यादा छूता है मिजोरम, तो ये भी आपको पता होना, और भूटान को सबसे ज़्यादा कौन छूता है, तो आसाम, और अफगानिस्तान को जम्मू कश्मीर, तो ये ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ से अपन भारत के कुछ प्रमुख दर्रे, तो ये वाला जो टॉपिक था आज का हमारा भारत का सामान्य परिचय, इसमें ही डला हुआ ये, तो ये वाला टॉपिक भी कवर कर लेते हैं, भारत के प्रमुख दर्रे, दर्रे, भारत के दर्रे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना कि दर्रे होते क्या हैं, तो दर्रे क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ, पहाड़ियों एवं पर्वतों के बीच में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं, यानी अगर डायरेक्ट बोला जाए तो पहाड़ों के बीच की जगह जहाँ से आ जा कर करके रास्ते बन जाते हैं उसे दर्रे कहते हैं, ये दर्रे हैं। तो भारत के कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो अपन देखते हैं, तो काराकोरम दर्रा, तो पहला है काराकोरम दर्रा, ये काराकोरम दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है, याद रखिए पूछा जाता है काराकोरम दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, तो ये याद रखिए। उसके बाद जोजीला दर्रा, जोजीला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है, और ये जोजीला दर्रा जो है इसका जो निर्माण है वो सिंधु नदी द्वारा हुआ है, तो ये याद रखना है आपको। पीर पंजाल दर्रा यह जम्मू कश्मीर में है ये भी, और ये एक है फिर बनिहाल दर्रा, और ये जो बनिहाल दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में है ये भी, और यहीं पे बनिहाल दर्रे पे ही बनी हुई है जवाहरलाल नेहरू सुरंग, तो ये भी आपको पता होना। उसके बाद
बुरजिल दर्रा, बुरजिल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है, तो ये भी आपको पता होना। तो ये जम्मू कश्मीर के इतने प्रमुख दर्रे थे जम्मू कश्मीर के। उसके बाद आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में तीन दर्रे हैं परीक्षा के हिसाब से इम्पॉर्टेंट, सिप किला दर्रा, तो सिप किला दर्रा भी आपको पता होना। और ये सिप किला दर्रे का निर्माण जो है सतलज नदी द्वारा हुआ है, तो ये पता होना। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में तीन है। और एक बाड़ालाचा, बाड़ालाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। तो ये दर्रे पूछ लिए जाते हैं कहाँ पे स्थित है करके, इसलिए आपको पता होना। उसके बाद उत्तराखंड में भी तीन है, लिपू लेक दर्रा ये है उत्तराखंड में, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है माना दर्रा उत्तराखंड, और नीति दर्रा, ये तीन दर्रे हैं उत्तराखंड में। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, सिक्किम में दो है, एक है नाथुला दर्रा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है नाथुला दर्रा कहाँ पर है करके, जयलेपला दर्रा ये सिक्किम में है। उसके बाद है बोमडीला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है, और यांग या दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है ये, और ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। याले दर्रे से जो है यंग्याप दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो याद रखिए यहाँ से। उसके बाद है दीफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में, और तुजू दर्रा। तो ये कुछ दर्रे थे जो आपको पता होना, पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन पेपरों में। उसके बाद आगे देखते हैं इनकी कुछ विशेषताएं जो अपन आगे बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद देखिए सांगपो नदी, सॉरी सांगपो नहीं है, संकोस नदी, संकोस नदी आसाम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको पता होना। उसके बाद यंगयाप दर्रा के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे, जब ही भारत में प्रवेश करती है यंगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी। और जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, ये आपको बताया था मैंने। सिप किला दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा, और जयलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा, तो ये तीनों आपको पता होना, पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, मैंने आपको बताया था जब भी। और यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है, यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। और उसके बाद अगला देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग NH1A नाम है इसका, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ती है, तो जोजिला दर्रा होते हुए लेह को जोड़ती है, याद रखिए लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ती है, आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखिए, बुरजिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित, श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, बुरजिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। गिलगित कहाँ पर है, पाक में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर तरफ है ये, गिलगित को जोड़ता है, तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकते हैं। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का एक जाने का मार्ग गुजरता है, तो बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का एक मार्ग गुजरता है, और जवाहर सुरंग इसी में स्थित है, मैंने आपको जो भी बताया था जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। उसके बाद यहाँ से एक और क्वेश्चन, बनिहाल, यहाँ से बनिहाल से याद रखिए, बनिहाल रेलवे सुरंग सबसे लंबी रेल सुरंग है, इसका नाम पीर पंजाल रेल सुरंग है, 11.2 किलोमीटर। तो जो नई सुरंग बनी है अभी भारत की सबसे लंबी सुरंग है, रेलवे सुरंग की बात हो रही है, याद रखिए रेल सुरंग सबसे लंबी वो बनिहाल दर्रे पे बनी है, और जवाहरलाल सुरंग भी इसी में स्थित है, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद सिप किला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, तो ये सिप किला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तीन चंद्राकार समुद्री तट कन्याकुमारी में मिलते हैं, तो याद रखिए फैक्ट बन सकता है, तीन अर्ध चंद्राकार समुद्री तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। उसके बाद ये आखिरी फैक्ट देखिए आज के टॉपिक का, भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोटी,
याद रखिए रामेश्वरम तमिलनाडु में है, भारत में। रामेश्वरम के निकट धनुषकोटि और श्रीलंका में तलाय मन्नार के बीच समुद्र में डूबा प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे आदम का पुल कहा जाता है। इसी को ही राम सेतु कहा जाता है, अपने राम सेतु इसे ही कहा गया है जो बीच में बना हुआ है। किस किस के बीच है? रामेश्वरम के धनुषकोटि से चालू होता है और श्रीलंका के तलाया मन्नार तक है के बीच समुद्र में डूबा प्रवाल द्वीप एक रेखा है जिसे आदम का पुल या राम सेतु कहा जाता है। उसके बाद आगे देखिए जाफना तमिल बहुत शेष श्रीलंका से एलिफेंट दर्रा द्वारा जुड़ा है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जाफना तमिल बहुत शेष एलिफेंट दर्रे द्वारा जुड़ा है, श्रीलंका से एलिफेंट दर्रे द्वारा जुड़ा है। तो आज का जो टॉपिक था भारत का सामान्य परिचय, लूसेंट डिस्कस कर रहे हैं हम इसमें। तो आज जो टॉपिक नंबर पहला था वो खत्म होता है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस लेक्चर को शेयर करना ना भूलें। निश्चित ही आपको इस चैनल से मदद मिलेगी और इसमें पूरा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा जो भी लूसेंट में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।